नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो पेपर है वो 27 जून 2021 को कंडक्ट करवाया गया था, जिसका सेकेंड शिफ्ट का पेपर के बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें से पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है आने वाले जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम हैं प्लस CHO के स्पेशली जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपना प्यार जरूर बनाए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एनाटॉमिकल टर्म्स फॉर द ब्रेस्ट बोन इज, तो ब्रेस्ट बोन के लिए एनाटॉमिकल टर्म्स कौन सी होती है? सेक्रम, स्टर्नम, पटेला और क्लेविकल। तो राइट आंसर है इसका स्टर्नम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द एम ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज टू इलिमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस इज, तो नेशनल स्ट्रेटेजिक जो प्लान है इसमें ट्यूबरक्लोसिस को इलिमिनेट करने का उद्देश्य कब का रखा गया है? 2025, 2030, 2035 और 2040। तो राइट आंसर इसका 2025। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज, तो एटमोसफेयर का जो लोवेस्ट लेयर है वो कौन सा है? स्ट्रेटोस्फीयर, ओके, ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर और लोनोस्फीयर। तो क्या राइट आंसर है इसका? तो बात करते हैं, राइट आंसर है इसका ट्रोपोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, तो लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, सियाटिक नर्व, पेरोनियल, पुडेंडल या टीबियल। तो राइट आंसर है इसका सियाटिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर्स, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। तो राइट आंसर इसका हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकोर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और मिनरलोकोर्टिकॉइड किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? पैनक्रियाज, गोनाड्स, हाइपोथैलेमस और एड्रिनल ग्लैंड्स। तो राइट आंसर इसका एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, सबस्टेंसिया नाइग्रा सिक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, तो सबस्टेंसिया जो नाइग्रा है वो कौन सा इम्पोर्टेंट जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिक्रेट करता है? एड्रिनलिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन एंड नोर एड्रिनलिन। राइट आंसर है डोपामाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, द प्रिंसिपल सेल ऑफ द इपिडर्मिस दैट प्रोड्यूस क्रिएटिन इन ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज, मेलानोसम, क्रिएटिनोसाइट्स, मेलानिन एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो इपिडर्मिस है जो कि प्रिंसिपल सेल है वो प्रोटीन, जो क्रिएटिन जो प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस करती है, तो इस कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है? राइट आंसर है क्रिएटिनोसाइट्स। ओके, क्रिएटिनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, द टोटल नंबर ऑफ द बोन फाउंड इन द राइट अपर लिम, तो राइट अपर लिम के अंदर टोटल बोन कितनी पाई जाती है? 25, 30, 40, 60। तो इसका राइट आंसर है 30। ओके, जो राइट लिम है इसमें 30 बोन्स पाई जाती है, राइट लिम्स में 30 और लेफ्ट लिम में भी 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग विच इज़ ए बोथ एंडोक्राइन एंड एक्जोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन का दोनों का फंक्शन क्रिएट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायरॉयड, पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड्स। राइट आंसर है इसका पेनक्रियाज ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन, द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स टेक्स प्लेस बाय, तो लंग्स के अंदर जो गैस का एक्सचेंज होता है उसे क्या बोला जाता है? ब्रोंकियल्स, एल्वियोलाई, ट्रीकिया एंड ब्रोंकस।
तो इसका भी राइट आंसर है एल्वियोलाई। ओके तो फ्रेंड्स टोटली जो इसमें क्वेश्चन है मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। ओके क्योंकि नेक्स्ट जो भी एग्जाम CHO के होने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द फंक्शन ऑफ सीरूमन, जो वैक्स होता है, सीरूमन जिसका सेकेंड नेम वैक्स बोला जाता है, इसका फंक्शन क्या है। चार ऑप्शन है, फर्स्ट है प्रोटेक्ट द ईयर, हेल्प क्लीन ईयर केनाल ऑफ फॉरेन मटेरियल, और प्रोटेक्ट ईयर केनाल फ्रॉम अदर डैमेज, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका 4, ऑल ऑफ दीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द कोज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्या कोज है हाई बर्थ रेट का इंडिया के अंदर, जिसमें से फॉलोइंग में से एक्सेप्ट पूछा गया, मतलब इसके अलावा, अर्ली मैरिज, ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड हैबिट्स, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैरिज। तो राइट आंसर इसका हाई लेवल ऑफ द लिटरेसी, हाई लेवल ऑफ द लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ए पिक्टोरियल डायग्राम, जो पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस विच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ब्लॉक इज कॉल्ड, लाइन डायग्राम, पिक चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोरोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। राइट आंसर है हिस्टेरोग्राम, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशंस इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्ट दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अट्रैक्शन ऑफ बेटर लिविंग कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ द सोशल सर्विसेज, हाई मोर्टेलिटी एंड मोरबिडिटी, हाई मोर्टेलिटी एंड मोरबिडिटी। तो राइट आंसर इसका हाई मोर्टेलिटी एंड मोरबिडिटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द लिटरेसी रेट्स टेकिंग्स इन अकाउंट द टोटल पॉपुलेशन इन द डिनोमिनेटर इज टर्म एज, इफेक्टिव लिटरेसी रेट, क्रूड लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है क्रूड लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ द न्यू केस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड, एक स्पेसिफाइड पीरियड टाइम के अंदर जो डिफाइंड जो पॉपुलेशन है इसमें न्यू केस का आना क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रीवेलेंस, इंसिडेंस, सेकेंडरी अटैक रेट्स एंड पॉइंट प्रीवेलेंस रेट। तो राइट आंसर इसका इंसिडेंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एन एपिडेमिक यूजुअली अफेक्टिंग ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन अकरिंग अवर ए वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, कॉन्टिनेंट्स और वर्ल्ड इज कॉल्ड, एपिडेमिक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक और एक्जोटिक। तो राइट आंसर इसका पेंडेमिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज एमोंग एक्सपोज्ड एंड द इंसिडेंस एमोंग द नॉन एक्सपोज्ड इज कॉल्ड, एट्रीब्यूट रिस्क, रिलेटिव रिस्क, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेड एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर है रिलेटिव रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा एडजस्ट कर लेते, क्वेश्चन नंबर 20, द मेन पर्पज ऑफ द वैक्सीन वाइल मॉनिटर इज टू, तो वैक्सीन वाइल जो मॉनिटर है उसका मेन पर्पज क्या है, एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रिवेंट डैमेज ऑफ द वैक्सीन, एंश्योर हीट डैमेज वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्टर्ड और इजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो राइट आंसर इसका एंश्योर हीट डैमेज वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्टर, मतलब जो हीट डैमेज, हीट के द्वारा जो वैक्सीन डैमेज हो चुकी है उसको एडमिनिस्टर नहीं करना, ये इसका मेन पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय द इन्फेक्शन एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड। कोई सा भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस एजेंट है, जो इंटरवल इन्फेक्शियस एजेंट का अंदर आना, देन फर्स्ट साइन सिम्टम को प्रोड्यूस करना, और उसके बीच का जो इंटरवल है उसको क्या नाम से बोला जाता है? सीरियल इंटरवल, इंक्यूबेशन पीरियड, लेटेंट पीरियड और कम्युनिकेबल पीरियड। तो राइट आंसर है इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द पर्सन एनिमल ऑब्जेक्ट और सबस्टेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासेस और इज डिमिनिश्ड टू द होस्ट इज कॉल्ड रिजर्वॉयर सोर्सेस कैरियर और लेटेंट इन्फेक्शन। तो राइट आंसर है सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर इन द फिटस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट तो राइट आंसर है इसका लाइटनिंग अकर्स। तो एक्सेप्ट क्वेश्चंस पूछा गया है, तो लाइटनिंग के अलावा सभी इसमें राइट पूछे सही है माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इवोमन्स सीरम एंड यूरिन विल बी टेस्ट पॉजिटिव फॉर एससीजी इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेस्कुलर मोल और पोस्ट हिस्टरेक्टोमी। तो राइट आंसर इसका पोस्ट हिस्टरेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसमिशन ऑफ मेटरनल एंटीबॉडीज टू द अनबोर्न चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड हर्ड इम्यूनिटी। राइट आंसर है पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फेलियर ऑफ द डिसेंट ऑफ वन और बोथ टेस्टिस एट द बर्थ इन द न्यूबॉर्न इज कॉल्ड फिमोसिस, हाइड्रोसिल, क्रिप्टोडिस, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर है पॉइंट नंबर 3, क्रिप्टोडिस। क्वेश्चन नंबर 27, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्किल्ड केयर एट द बर्थ, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द रिस्क, अप्रोप्रिएट एंड टाइमली मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाइट और येलोइस व्हाइट सिक्रेशंस दैट लास्ट फॉर 10 to 15 days आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड लोकिया रुब्रा, लोकिया सीरोसा, लोकिया एल्वा, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर है लोकिया एल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ असेंशियल न्यूबॉर्न केयर्स आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिसस्टेशन ऑफ द न्यूबॉर्न विथ हाइपोक्सिया, प्रिवेंशन ऑफ द हाइपोथर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ द बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर भी यही है, प्रिवेंशन ऑफ द बिहेवियरल प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा गया है तो अलग यही है इनसे। क्वेश्चन नंबर 30, रिकमेंडेड वॉल्यूम एक्सपांडर फॉर द न्योनेट्स इन द शॉक एज, न्योनेट शॉक के अंदर जो वॉल्यूम एक्सपांडर रिकमेंडेड किए जाते हैं वो कौन सा है? 5 ml पर के जी ऑफ द नॉर्मल सेलाइन, 10 ml पर के जी ऑफ द नॉर्मल सेलाइन, 15 ml पर के जी ऑफ द नॉर्मल सेलाइन, 20 mg पर के जी ऑफ द नॉर्मल सेलाइन। तो राइट आंसर है इसमें 10 ml पर के जी ऑफ द नॉर्मल सेलाइन। क्वेश्चन नंबर 31, द डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज टू डिटेक्ट कॉन्जिनाइटल एनोमलीज इन यूटेरो इज, तो डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन सी है कॉन्जिनाइटल एनोमलीज को डिटेक्ट करने के लिए इन यूट्रो के अंदर? अल्फा फिटोप्रोटीन्स, एमनोसिंथेसिस, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग एंड ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32,
द मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू डोज, द मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू डोज ऑफ टीटी वैक्सीन गिवन टू एंटीनेटल मदर शुड बी। तो टीटी की जो टू दो डोज दी जाती है कितने इंटरवल के बाद में दी जाती है टू द एंटीनेटल मदर शुड बी 1 month, 2 month, 3 month एंड 4 month। राइट आंसर है 1 month। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। बेबीज हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेटिनोपैथी ऑफ प्रेगनेंस ऑफ प्रीमेच्योरिटी आर, बेबीज हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी आर, प्रीटर्म न्यूनेट्स, टर्म न्यूनेट्स, पोस्ट टर्म न्यूनेट्स, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है प्री टर्म न्यूनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विटामिन ए सप्लीमेंट इज गिवन अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन अप टू 1 year, 3 year, 5 year एंड 5 year। दोनों में 5 year दिया गया है तो इसका राइट आंसर है 5 year। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन हैज टू बी गिवन, मीजल्स मम्स और रूबेला वैक्सीन कब दी जाती है एट द बर्थ, आफ्टर 3 month, आफ्टर 6 month और आफ्टर 9 month। राइट आंसर इज आफ्टर 9 month। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एट द हेल्थ केयर फैसिलिटी हेल्थ वर्कर्स कैन एडिक्युएटली प्रोटेक्ट वैक्सीन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट। ओके, कीप वैक्सीन इन एप्रोप्रिएट वैक्सीन रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट्स, यूज ऑफ टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस, ट्रांसपोर्ट वैक्सीन इन द वैक्सीन कैरियर एंड स्टोर वैक्सीन इन द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर ओनली। तो एक्सेप्ट दिया गया है तो इसमें राइट आंसर भी 4 है, स्टोर वैक्सीन इन द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शार्क पोलियो वैक्सीन इज, तो शार्क पोलियो वैक्सीन का जो रूट है एडमिनिस्ट्रेशन करने का वो कौन सा है, ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका इंट्रामस्कुलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द वैक्सीन फॉर द येलो फीवर इज, येलो फीवर के लिए वैक्सीन कौन सा होता है, शार्क वैक्सीन, 17D वैक्सीन, CCEEV वैक्सीन, PrEP वैक्सीन। तो राइट आंसर है इसका 17D वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज लॉ इंक्लूड इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कौन सी वैक्सीन है जिनको वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसमें विटामिन ए जिसको इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द टारगेट ग्रुप ऑफ द वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस आर, कौन से टारगेट ग्रुप है जिनको वीकली आयरन फोलिक एसिड टेबलेट सप्लीमेंट की जाती है। तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर स्कूल गोइंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज इन 6 to 12 क्लासेज, तो 6 to 12 क्लासेज की 6 और जो बॉयज है एडोलसेंट उनको ये टेबलेट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। द कंपोनेंट्स ऑफ एडोलसेंट्स हेल्थ प्रोग्राम आर ऑल एक्सेप्ट पूछा गया है, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। तो क्या इसमें एक्सेप्ट है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी इन फीमेल, फीमेल के अंदर फर्स्ट साइन क्या है प्यूबर्टी का, वॉइस चेंजेज, एक्सिलरी हेयर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट्स और मीनार्की। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। द डोज ऑफ टेबलेट एल्बेंडाजोल एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट हेलमिंथ इन द
स्टेशंस इन द एडोलसेंट इच। तो टेबलेट एल्बेंडाजोल की जो टेबलेट है हेलमिंथिस को प्रिवेंट करने के लिए वो एडोलसेंट के अंदर कितनी दी जाती है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। राइट आंसर इज 400 mg। क्वेश्चन नंबर 44। मेंचुरल हाइजीन स्कीम्स वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर एडोलसेंट्स गर्ल्स इन एज ग्रुप ऑफ। तो मेंचुरल हाइजीन जो स्कीम है वो कितनी, जो एडोलसेंट कितनी एज ग्रुप की है एडोलसेंट गर्ल्स को तब इम्प्लीमेंट किया जाता है। 10 to 22 ईयर, 10 to 19 ईयर, 16 to 19 ईयर और 15 to 19 ईयर। राइट आंसर 10 to 19 ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म्ड और क्लिनिकली डायग्नोस्ड केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्वॉल्विंग प्लूरा लिम्फ नोड एबनॉर्मल जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, HIV पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस, HIV नेगेटिव ट्यूबरक्लोसिस। तो देट इज राइट आंसर, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस आर ट्रांसमिटेड बाय द फेस फीकल ओरल रूट एक्सेप्ट। जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उनका ट्रांसमिशन होता है फीकल ओरल रूट का, इसमें एक्सेप्ट दिया गया इसके सिवाय हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, डायरिया, पोलियोमाइलाइटिस। राइट आंसर इज हिपेटाइटिस बी, जो कि ब्लड के द्वारा ट्रांसफर्ड होता है। ओके, हिपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। द इलनेस कोज्ड बाय द मॉस्किटो बाइट्स आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लिम्फेटिक फिलेरियासिस, मलेरिया, डेंगू, सार्स। राइट आंसर है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, SARS का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू पिग्स, मॉस्किटो बाइट्स, चिकन और बर्ड्स। तो राइट आंसर है मॉस्किटो बाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ए हिपेटाइटिस डी इन्फेक्शियस अकर्स ओनली व्हेन द पर्सन इज पॉजिटिव फॉर हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी और हिपेटाइटिस ई। राइट आंसर है हिपेटाइटिस बी। जब हिपेटाइटिस बी किसी पेशेंट को हो रखा है तो उसमें हिपेटाइटिस डी भी होने के चांस है, क्योंकि हिपेटाइटिस बी से ही हिपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। द इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय द वेरियोला वायरस, इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय द वेरियोला वायरस इज चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और रूबेला। राइट आंसर है चिकन पॉक्स, सॉरी स्मॉल पॉक्स। ओके, स्मॉल पॉक्स। तो फ्रेंड्स ये हो गए टोटल 50 क्वेश्चंस, जिसमें पार्ट फर्स्ट में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस है वो पार्ट सेकंड में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।